जाएंगे जहाँ से आए थे, क्योंकि जैसे ही ना ये देखो होंगे सोच रहे होंगे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज देख रहे होंगे यहाँ बुलेट छोड़ रही है, स्कूटी छोड़ के आ रहे, पीली कलर की नई गाड़ी है। तो जैसे कि आपको पता ही है हमारे बल्लू दा की गाड़ी है, जिनके साथ हम ब्लॉग वगैरह बनाते रहते हैं, बनाए हैं काफ़ी टाइम पहले, एक बार भी गए थे। तो वो ज़रा कहीं गए हुए थे तो उनकी गाड़ी हमारे पास थी। तो आज थोड़ा सा हम शाम का राइड लेने जा रहे थे, तो हम ज़रा एक्सपीरियंस करते हैं कि आखिरकार गाड़ी कैसी है। काफ़ी टाइम बाद क्या कहते हैं स्पोर्ट्स गाड़ी चला रहा हूँ मैं, क्योंकि अपना तो भाई एक बुलेट है और एक स्कूटी है, तो वो ही चलाकर जो लाइफ काफ़ी अच्छी है, चल जाएगा काम। बाकी यार एंगल कैसा आ रहा है, ये मैंने नया एंगल लगा रखा है, क्योंकि इससे पहले वाले में ना जो एंगल था वो सही नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था, क्योंकि वो क्या कहते हैं वो एक ना साइड दिखा रहा था, तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। वो वीडियो में दिख तो रहा था बार बार, थोड़ा सा दिक्कत तो है ही थोड़ा सा। आवाज़ बहुत तगड़ी है भाई, मेरी आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही है, और मेरी आवाज़ इसलिए अच्छी नहीं सुनाई दे रही है क्योंकि अपना जो माइक है अडेप्टर वो हम मेरी नाक भूल चुके हैं। तो बात सुनिए, वाह मेन सामग्री नहीं है। सबसे पहले आप जितने भी GoPro वाली वीडियो देखे होंगे उन सब में कोई भी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि रीज़न ही वो है क्योंकि माइक ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन में माइक आ जाएगा, तब तक हम इसकी राइड लेते हैं, थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे ब्लॉग वगैरह इसमें, ठीक है ना। स्पोर्ट्स गाड़ी का ना एक ये बड़ा सही है, एक एक्सीलेटर जितने ही गाड़ी ना ऐसे तो नहीं है। अरे यार पीछियों ने बिगाड़ दिया था, मैं मंगा के जाऊँगा वहाँ, कोई भरोसा नहीं है, ये पीछे भी कर रहे हैं यार, थोड़ा सा इज्जत से करना पड़ेगा। तो क्या होता है एक भाई को थोड़ा सा कैसे देना था ऐसा वैसा था। आयात निर्यात सॉरी इकोनॉमिक्स वाले ना, तो इकोनॉमिक्स वाली लैंग्वेज बोलेंगे तो आयात निर्यात करने आए थे यहाँ पर थोड़ा सा, है ना। तो चलो अब जा रहे हैं घर को, काम हो चुका है, और थोड़ा सा ना ये गाड़ी जो है रात को ही ठीक रहती है, क्योंकि भाई गाड़ी जब फंसती है ना तो यार हाईवे शो होता है सीधा सीधा। दिन में तो इतना ज़्यादा रश होता है, वैसे तो रात में भी बहुत रश होता है, लेकिन दिन के मुकाबले कम है सही बताऊँ तो। नहीं तो दिन में तो यहाँ जगह नहीं मिलती डालने को, ये है, लेकिन ठीक है चल जाता है काम। I've seen exactly how this ends. अभी हम वहाँ तो नहीं जाएंगे जहाँ से आए थे, क्योंकि जैसे ही ना ये देखो होंगे सोच रहे होंगे। देखा आपने भाई ठुकते ठुकते बजे, मतलब यार फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं घर, थोड़ा सा बीच में GoPro हैंग हो गया था उस चक्कर में हम बना नहीं पाए। हाँ ओवरऑल अभी हम नाइट राइड मार के आ के बड़ा मज़ा आया गाड़ी चला के, बिल्कुल है स्पोर्ट्स वाले का तो मज़ा ही अलग है गाइस, क्योंकि जो इनिशियल पावर मिलती है ना इसमें, बात यही है कि ये जो पावर मिलती है बुलेट में नहीं मिलती कभी भी। बुलेट भी ठीक है लेकिन क्यों है वो, मतलब
तक चलते रहते हैं, उससे चलते रहते हैं। मतलब ये है कि आप उसे भगा नहीं सकते हैं इस लेवल की। तो इसका जो मज़ा है ना, वो कोई और नहीं दे सकता है, और वो मज़ा मैंने आपको दे दिया। चलो गाइस, मिलते हैं आपको किसी और ऐसी ही वीडियो में। ओके, बाय बाय टाटा।